अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। हमने इसको बनाना है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ये दो सिलेंड्रिकल पार्ट हैं और बीच में एक रिब है, और आप देख रहे हैं कि एक ड्रिल भी हुआ हुआ है इसके अंदर और एक जो है वो इसके अंदर भी है। बहरहाल ये हम एक्सट्रूड कट के साथ बना सकते हैं और इसके अंदर एक स्लॉट भी बनी हुई है। डायमेंशन मोस्टली दी हुई है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका 100 है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा जी, सबसे पहले हमने फ्रंट प्लेन को जो है ना वो इस्तेमाल करना है, या तो बेहतर है कि आप सारे प्लेन ऑन कर लें। ठीक है, थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं और यहाँ पे आप जो है ना इसके शुरू करें। हमने लगाना है सर्किल, ठीक है, दो सर्किल लगा लेंगे और इस पे जो बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करते हुए इसके डायमीटर भी हम मेंटेन करेंगे। छोटा वाला डाया 50 का है और इसी तरह बड़ा वाला है 100 का है। अंदर का जो है वो 64 का है और 25 का डाया दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर सेंटर डिस्टेंस का हमने वो सेट करना है। ये वाला 100 है, इसको आपने एडिट किया और इसी तरह ये 50। यहाँ से ओके करने से पहले जो है ना बेहतर है कि हम इसकी अंदर के जो है ना डायमीटर्स हैं ये वाले, ये हम बना लें। ठीक है, और ये वाली रिब भी हम बना सकते हैं साथ में जो बाहर निकली हुई है, तो ताकि जो है ना एक ही दफ़े में मैक्सिमम काम हो जाए। चलें जी, पहले सर्किल लगा लेते हैं। आई थिंक 64, ये कितना है 25। इसको हमने 65 करना है, 65 हो गया। और इसके साथ जो है ये डायमेंशंस दी हुई है, मेरे ख्याल से 10 है और ये जो है वो 50 है। 50, अच्छा डायमेंशन कर लेते हैं इसको। 60 है तो फिर इसको, अच्छा ये 50 है, 25 इधर जाएगा। ये है 75, हमें सेंटर से लेना है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये हमें चाहिए, ठीक है। अगर कोई इशू आ जाए तो आप इसको यहाँ से अंडू कर दें, ठीक है।
ईजी वे है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 75 अब क्लियर हो गया, ये हमें 25 ही करना है। अच्छा जी, अब बीच का जो स्लॉट है वो एडिट हुई हुई है, मेरे ख्याल से 10 ही है, क्योंकि 60 होगी तो इससे भी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें कमांड यूज़ करते हुए अगर हम चाहें तो हम ऑफसेट कर सकते हैं, या फिर हम जो है सी लाइन को 5 इसको 5 कर देते हैं, इसी तरह से ये वाली 5 लगा रहे हैं। ठीक हो गया, बाकी ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम क्या करना है हमें, देखिए। अच्छा जी, कमांड जो है वो अभी चल रही है डायमेंशंस की, यहाँ से निकल जाए पहले, स्केप कर दें। ये वाली और ये इस तरह से हो गई, ठीक है। यहाँ से ओके कर दें और यहाँ से आ जाए एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड हमने करनी है इसको 40, यहाँ पर आप इसको 40 बता दें, यहाँ से कर दें ओके। अब ये वाली रिब हमने बनानी है। एक काम और रह गया था, ये बीच वाली स्लॉट भी अगर हम इसके साथ मैच कर देते तो बाकी सिर्फ ऊपर वाली रिब रह जाती। तो अब हम ये करते हैं, सबसे पहले दोबारा इसको एडिट करते हैं, इसके स्केच को। एडिट का भी प्रोसेस आपको पता चल जाएगा किस तरह से एडिट करते हैं। तो दोबारा से लाइन लेंगे, क्योंकि ये इसके सरफेस के साथ ही है और इसकी जो डायमेंशनस है वो 10 है, तो ये 5 करनी पड़ जाएगी। इसी तरह से इसको भी 5 करना पड़ेगा और हमें जो है वो ट्रिम करना होगा इसकी जो बीच की बाउंड्री है। ये ज्योमेट्री हमारी कंप्लीट हो गई है, हमने ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेन चीज़ है वो तो बन गई, अब ये रह गया एक होल, ये हमने होल करना है। चले आ जाए, इसके सरफेस पे हमने होल करना है। इसके लिए आप स्केच की कमांड लें और इसके सरफेस के ऊपर क्लिक कर दें, यहाँ से आप सर्किल और ये डायमेंशन ले लें इसकी, इसके थ्रू, और 20 और 40, ठीक है, 20 और 40 की डायमेंशन से, और इसके मिड में है।
इसको पहले यहाँ से ओके कर लें, ये चेक करते हैं ये कितनी है, ठीक है, ये है 31 जो है इसका हम हाफ कर लेंगे, ऑटो हो गई। ठीक है 20 ओके है, यहाँ से ओके कर दिया। बस इसका डायमीटर रहता है ये हमारे पास 15, यहाँ से ओके कर दिया। अब आपने एक्सट्रूड कट करना है यहाँ से, ठीक है, और इसको थोड़ा और कर यहाँ से ओके कर दें। अच्छा, मगर हमारे पास जो है ना ये इस तरह से पूरा कट होना चाहिए था, इसको दोबारा से एडिट करेंगे। इसके लिए ये एक रिमूव करनी पड़ जाएगी और इसको भी रिमूव कर दें और इस लाइन को कंटिन्यूसली यहाँ तक ले आएंगे इसी तरह से दोबारा इसके साथ, और इसको रिमूव कर दें। सेम ब्लेंड को लेते हुए दोबारा से स्केच बनाएंगे, स्केच में जाएं और कन्वर्ट एंटिटी कर लें, ठीक है, और यहाँ से हमने टेंजेंट इसकी पकड़नी है, ठीक है, अब हमने बाकी ट्रिम कर लेना। यहाँ से करेंगे ओके, इसी स्केच से इसको एक्सट्रूड कर देंगे, ओके कर देंगे। चले, ये एक्सरसाइज अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह से रिप बनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। जी मोस्टली कंप्लीट हो गया, बस एक रिप रह गई है, अब हम रिप लगाएंगे।